देश की सरहदों की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है देश की आंतरिक सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द का माहौल, जिसमें कोई खलल न पड़े इसके लिए सदैव तत्पर रहती है बिहार पुलिस। और इस बेहतर पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आम जन को भी आज के दौर के नए अपराधों के प्रति सजग, जागरूक एवं मुखर होना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम उन अपराधों के बारे में एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में जान सके। भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिए जाने या उस पर हमला कर दिए जाने की खबर पिछले कुछ सालों से बहुत आ रही है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम और हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है। मॉब लिंचिंग के घटनाओं की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इस तरह की घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है अफवाहों का बाजार, जो समाज में नफरत फैलाने वाले गलत इरादे के लोग फैलाते हैं व्हाट्सएप एवं फेसबुक जैसे सोशल साइट्स के माध्यम से। जघन्य अपराध है ये, और ये पागलपन है, बहसीपन है। कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की अफवाह फैला करके और लोगों को पागल किए हुए हैं। लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, कई घटनाएं हो गई। बार बार मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अफवाह है। अगर मॉब लिंचिंग की घटना होती है, मुकदमे होंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, स्पीडी ट्रायल होगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा और आपका एक सजग नागरिक होने का ये कर्तव्य है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें एवं अपने स्थानीय पुलिस को इस बात से अवगत कराएं। इससे एक मासूम इंसान की जिंदगी एवं कई सारे लोग अपराधी बनने से बच सकते हैं। आज के अपराधी दुनिया के किसी भी कोने से आपके हमारे बैंक खातों से तकनीक एवं हमारी अज्ञानता का फायदा उठाकर पैसों की चोरी कर लेते हैं। ये अपराधी इन्हीं तकनीक का इस्तेमाल करके हमारी निजता का भी हनन करते हैं। इस तरह के अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन की चोरी, आइडेंटिटी की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हेट क्राइम्स को अंजाम दिया जाता है। जो लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दूसरे किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स को इलीगली एक्सेस करते हैं, उन्हें साइबर क्रिमिनल्स, हैकर्स या क्रैकर्स कहा जाता है। हमारी सतर्कता एवं तत्परता हमें इन तरह के अपराधों से बचा सकती है, और बिहार पुलिस की साइबर क्राइम शाखा पूर्णतः सक्षम है इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए। पूरे बिहार राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई गई है। उस कार्य योजना के तहत उन पदों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और पदस्थापना भी कर दी गई है। उन यूनिट को काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो उपलब्ध कराए गए हैं। महिलाओं पर होने वाले अपराधों में तेजी से सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के होते हैं। समाज में विकृत मानसिकता के चलते ही पुरुष इस जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। उन्हें न तो कानून का डर होता है और न कोई सामाजिक सरोकार की परवाह। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने सारी हदें पार कर दी है। ये बिलीफ सिस्टम की गड़बड़ी करना है। कहीं ना कहीं से हमारे बिलीफ सिस्टम ये बात है कि महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक हैं, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि नारी तो मातृशक्ति है, अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो समाज बचेगा नहीं। अगर आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इससे यही पता चलता है कि एक साल में अमूमन हर 3 महीने में 2 महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। तो अभी के दृष्टिकोण में महिलाओं के प्रति अपराध के लिए पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में सबसे पहले संवेदनशील करना आवश्यक होता है। इन कर्मियों को, इन पदाधिकारियों को महिलाओं के प्रति अपराध के संदर्भ में जो भी आवश्यक कानून है, जो भी आवश्यक लेजिस्लेशन है, एक्ट्स हैं, उनकी जानकारी देना, उन एक्ट्स को पढ़ाना और उनके व्यवहारिक बिंदुओं को समझना और प्रैक्टिकली किस प्रकार उसको इम्प्लीमेंट करना है। 80% महिलाएं लोक लज्जा के कारण न तो शिकायत लिखवाती हैं और वे ये समझती हैं कि वे अपराधी कानून से छूट जाएंगे
और उसके बाद वे ज्यादा प्रताड़ित होंगी, जबकि समाज के हर तबके को इस हालत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्राइम अगेंस्ट वेमेन के मामलों में हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं कि यदि विक्टिम नहीं भी अप्रोच किया है और हम लोगों को विक्टिमाइजेशन का पता चलता है तो हम लोग विक्टिम को लोकेट करके, कांड दर्ज करके, प्रभावकारी अनुसंधान दर्ज करके अभियुक्त को सजा दिलाने का प्रयास करते हैं। मोटर व्हीकल अधिनियम में जो समन राशि है, जो फाइन की राशि है, जो वर्ष 1988 में निर्धारित की है, तो बहुत कम है और उसका प्रभाव समाप्त हो गया है आज के डेट में। आज यदि आप किसी को 100 रुपया का फाइन करेंगे किसी उल्लंघन के, मोटर व्हीकल नियम के उल्लंघन के लिए, तो वो बहुत सहर्ष रूप से आपको 100 रुपये फाइन भर करके और फिर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसे उसमें एक भय नहीं पैदा होगा, कानून के अनुपालन की प्रवृत्ति उसमें नहीं जगेगी, उसमें अनुपालन करने की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जब यह इस फाइन में वृद्धि की जाएगी तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा और वह व्यक्ति मोटर व्हीकल्स का जो नियम है उसको उल्लंघन करने के पहले 3 बार सोचेगा। अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ट्रैफिक नियम को फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप दंड के भागी होते हैं। इन दिनों संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस द्वारा किए जा रहे चालान को लेकर देश के कई राज्यों में पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। बिहार में भी हो हल्ले का माहौल है। इस हंगामे को शांत करने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में बिहार पुलिस जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान दिया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास सभी दस्तावेज हैं और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया तो वह जुर्माना माफ कर सकता है। मोटर व्हीकल्स अधिनियम के जो प्रावधान थे, जो फाइन्स के प्रावधान थे और उसके अलावा और भी कई प्रावधान किए गए हैं, उसको संसद द्वारा पास किया गया है और ये अभी लागू हो गए हैं और इन नए प्रावधानों को लागू करने के लिए हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई की है। तो हमारा सबसे उच्च प्राथमिकता होना चाहिए कि रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो इन्फोर्स हों और सड़कों पर दुर्घटनाओं में मृत्यु कम से कम हो। इसके लिए ये फाइन आवश्यक है, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। इसे हम लोगों को यह आशा है कि दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में कमी आएगी। देश में जितनी मौतें हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियों से नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो जाती है। इसलिए इस अधिनियम को पहले से अधिक कठोर बनाया गया है। कड़े नियमों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आम लोग खुद सतर्क और जागरूक न हो जाएं। वाहन चलाते हुए वे अगर सतर्कता बरतेंगे, कानून को लेकर जागरूक रहेंगे तो जुर्माने की नौबत ही नहीं आएगी और उनकी जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। यही बिहार पुलिस का उद्देश्य भी है। राज्य में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस की आतंकवाद रोधी दस्ता तमाम तरह के आधुनिक शस्त्रों एवं आधुनिक उपकरणों से लैस एक अति विशिष्ट शाखा है। पांच सालों में देखिए एटीएस का काम इस तरह का है कि कोई
गतिविधि होती है उसी समय वो काम जनता को दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे काम लगातार चलते रहते हैं। बिहार में किसी भी तरह के आपातकाल या विशिष्ट परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस एक सक्षम अंग है इस बिहार पुलिस का। बिहार सैन्य पुलिस बिहार पुलिस का अभिन्न एवं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में जो मेन कार्य है बीएमपी का वो है कि बिहार पुलिस और राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में अपेक्षित सहयोग देना। आवश्यकता के अनुसार प्रतिनिधियाँ की जाती हैं, जितने पर्व होते हैं उनमें भी अलग से प्रतिनिधियाँ की जाती हैं। ये वैज्ञानिक अनुसंधान जो है ये अपराध अनुसंधान में अहम रोल अदा करता है, क्योंकि इसके एग्जीबिट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। यदि एग्जीबिट यहाँ जो भी आता है उसके जांच होने के बाद यह पुनः न्यायालय में चला जाता है और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इस एग्जीबिट का अहम रोल होता है। फिंगरप्रिंट साक्ष्य एक अकाट साक्ष्य है और इसका कारण है कि ये एक ऐसे निशान है उंगलियों के, कोख से कब्र तक नहीं बदलते और हर इंसान के अलग अलग होते हैं। तो इसके इसी गुण के कारण अगर फिंगरप्रिंट के आधार पर कोई अपराधी सिद्ध होता है तो उसे दंड मिलना निश्चित होता है। अतः जब भी कोई आपराधिक घटना कहीं घट जाए, कोई भी वारदात हो जाए, तो किसी भी वस्तु को हाथ न लगाएं जब तक कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम वहां पहुंचकर निरीक्षण का कार्य न कर ले। अपराध फोटोग्राफी को अपराध अनुसंधान का नेत्र कहा जाता है, मीन्स आई ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन। मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी घटनास्थल पर यदि कोई अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जिबिट, कुछ ना कुछ क्लूज प्रेजेंट होंगे और उसे अपराध फोटोग्राफी के द्वारा, अप्रोप्रिएट अपराध फोटोग्राफी के द्वारा हमारे जो फोटो विशेषज्ञ हैं, जो पुलिस फोटोग्राफर हैं, उनके द्वारा जो दक्ष फोटोग्राफी की जाएगी, स्किल्ड फोटोग्राफी की जाएगी, क्राइम फोटोग्राफी की जाएगी, उसके द्वारा वो तथ्य सामने आ जाएगा। आम नागरिक को हमें आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार पुलिस अहर्निश उनकी सेवा में है, लेकिन पुलिस और जनता का जो सहयोग और समन्वय है वो जब एक साथ मिलकर के हम कार्य करेंगे तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सफल होंगे। कि आम जनता इस बात को समझे कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई दल नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। इसलिए केवल आप अपराधियों को संरक्षण न दें, समर्थन न दें जात मजहब के नाम पर, यही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके बारे में सूचना भी दें, थोड़ा आगे होकर के, प्रोएक्टिव होकर के। अगर आप सूचना देकर सहयोग करेंगे, हम चाहे अपराधी जितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, जितना रसूख वाला क्यों नहीं हो, हम उसको भीतर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार पुलिस आज के दौर में पूरी हिंदुस्तान की सक्षम पुलिस व्यवस्था में एक है। बिहार पुलिस आम जन से ये अपेक्षा रखती है कि वो जानकार बने, जागरूक बने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।